फिलहाल में मैं आप लोगों को ये जो एयरपोर्ट है ये दिखाऊं और वॉकिंग टूर करा दूं। मेरे साथ ना कोई फैमिली बंदा है पर वैसे बंदा औरों को मैं देख रहा था तो खुद भी थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया। तो गाइस दौरान सफर टेक ऑफ देखे कर लिया है टेक ऑफ, तो बाय बाय हैव अ सेफ सर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे अच्छे से होंगे। तो गाइस मैं अभी मौजूद हूँ शांघाई के एयरपोर्ट पुतंग में, तो जाना है पोलैंड। तो मैंने कहा कि इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ये जो एयरपोर्ट है ये दिखाऊं और वॉकिंग टूर करा दूँ। यहाँ पे जो बुदिंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शांघाई में, और बस आप साथ रहें। तो अभी मैंने जाना है चेक इन करनी, उसके बाद फिर आपको ये एयरपोर्ट भी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो साथ रहे और इन्जॉय करें व्लॉग को। आई थिंक हमारी चेक इन इसी से होती है, देखते हैं। ये आप चेक कर ले एयरपोर्ट का माहौल। तो अभी हम यहाँ से चेक इन करते हैं फर्स्ट। वो बोर्डिंग पास लेना है यहाँ से। ये है थाई एयरवेज, यहाँ से हम भी चेकिंग करेंगे। तो गाइस देख ले बोर्डिंग हो गई है, बोर्डिंग पास मिल गया है। ये जो यहाँ से शांघाई से पहले बैंकॉक जाने का और उसके बाद बैंकॉक से स्वीडन स्टॉकहोम जाने का। तो गाइस मैं अभी आपको ये एयरपोर्ट दिखाता चलूँ। ये देखिए ऊपर टर्किश रेस्टोरेंट, मुस्लिम फूड और ये आपको मिलेगा। और बाकी यहाँ पे चेक इन प्लेस हैं मुख्तलिफ एयरलाइन के, यहाँ से चेक इन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चेकिंग हो गई है। अभी आपको मैंने कहा कि थोड़ा सा ये दिखा ले करता हूँ कि ये एयरपोर्ट है। तो अभी हम गेट नंबर भी देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा गेट नंबर जहाँ से हमने डिपार्चर लेना है, तो वो भी देखते हैं। और यहाँ पे आई थिंक सिक्योरिटी चेक होगी और उसके बाद फिर हम दिखाते हैं उसके बाद जो वेटिंग रूम का माहौल है यहाँ पे। तो बस आप लोग हमारे साथ रहें और एंजॉय करें इलाज को। सिक्योरिटी चेक हो गई है और बस अभी वेटिंग रूम की तरफ जा रहे हैं और गेट नंबर भी बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है। तो गाइस यकीनन जब बंद जाता है तो एयरपोर्ट पे आप लाइक कुछ लोग देखते हैं जो कि अफसरदा होते हैं, कुछ रिश्ते या कुछ ऐसे सीन आप देखते हैं कि आपका भी बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। मैं तो चलो अकेला आया हूँ, मेरे साथ ना कोई फैमिली बंदा है पर वैसे बंदा औरों को मैं देख रहा था
तो खुद भी थोड़ा सा हमें इमोशनल हो गया। तो गाइस दौरान सफ़र लाइक इस तरह आप लोगों को देखेंगे तो बस क्या करें, लाइफ है ऐसी ही चलती है। तो चलो बस अभी हम चलते हैं अपने गेट की तरफ। बाकी ये वेटिंग रूम का माहौल है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो अभी हमारी आई थिंक फ्लाइट में टाइम होगा थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा मैंने कहा कि आप लोग को ये वॉकिंग करते हुए ये भी दिखाओ। तो गाइस बहुत निशान बना हुआ है D65 आई थिंक। ये है हमारा वेटिंग रूम, वेटिंग प्लेस, जहाँ पे हमने प्लेन लेना है D65 का। और ये आप देख सकते हैं रनवे भी। हमारी फ्लाइट ये वाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो चलो गाइस बस ये व्लॉग था इस एयरपोर्ट के हवाले से, आपने देख लिया होगा और काफ़ी प्यारा एयरपोर्ट है शंघाई का भी। और बस गाइस मेरी सजेशन ये है कि जब भी हमारे लाइक एयरपोर्ट या जहाँ पे जाना हो आपने, तो वक्त से पहले जाएं। अभी भी मेरे साथ ऑलमोस्ट एक घंटे का टाइम है, तो उसमें यह होता है कि किसी भी टाइम पे हादसे या कुछ आते वक्त हो सकता है, तो बेहतर ये कि बंदा वक्त पे निकले ताकि वक्त पे एयरपोर्ट पहुंच जाए। भले आप एयरपोर्ट पे स्टे करें लेकिन ये वक्त पे जाना ज़रूरी है, और उसमें ये आपका ही फ़ायदा होगा क्योंकि आपसे फिर फ्लाइट मिस ना होगी। और ये है एयरपोर्ट का रनवे जो सामने आप देख सकते हैं, ये ज़्यादातर एयरलाइन यहाँ पे खड़ी है। और देखो वो जो चाइना साउदर्न एयरलाइन है वो आई थिंक टेक ऑफ कर रहा है, तो आप देख लें। और बाकी ये और भी यहाँ पे एयरलाइन खड़ी हुई है, तो ये चाइना साउदर्न एयरलाइन देख लें। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें। चलो इन्हीं, हाँ वो तो फुली कवर नहीं होगा पर आपने देख लिया कि वो जा रहा है बस टेक ऑफ के लिए। टेक ऑफ देखें कर लिया है टेक ऑफ, तो बाय बाय हैव अ सेफ जर्नी गाइस। तो हमारे लिए भी दुआ करना। तो चलो गाइस यहां से हम भी उड़ान भरेंगे कुछ ही पलों में। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि हमेशा खुश रहें, खुशियाँ पिलाएं, और बस अपने दुआओं में याद रखना। ये तभी लाग इस एयरपोर्ट के हवाले से। तो बस इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए काशिफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़।